निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ये बातें उन्होंने हमारे समक्ष में कही, हम निश्चित रूप से उनका जो बातें उन्होंने हमारे समक्ष रखी और हमको जो दिशा निर्देश दिया, मैं लगता है ये हमारे डेलीगेट्स ऑब्जर्वर्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी समझ में चीजें जरूर आई हैं और हम आगे का खड़े उतर करके अपने आप को उस लायक साबित करेंगे जिसकी अपेक्षा फेडरेशन ऑफ मेंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियंस को हमसे है। इसे हमने मैसेज करेगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रथम अपना परिचय दें सर। तो मेरा नाम दिनेश झा वल्लभ है, मैं फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस का महासचिव हूँ और मैं आज यहाँ के लिए अधिवेशन बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन बिहार राज्य का 200वां द्विवार्षिक हो रहा है, उस सम्मेलन में मैं उपस्थित हुआ हूँ अपने साथियों के साथ। समसामयिक मुद्दों पर हमारे सामने जो चुनौतियां हैं मजदूरों के सामने, खासकर बैंक कर्मियों के सामने और देश की आम जनता के सामने, यानी देश की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर हम चर्चा करेंगे और वो जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो डेवलपमेंट्स किस प्रकार बैंक कर्मियों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, बैंक कर्मियों की जीविका को प्रभावित कर रहा है या बेरोजगारों को देश के अंदर प्रभावित कर रहा है, गरीबों को किस तरह प्रभावित कर रहा है, महंगाई कमरतोड़ जो महंगाई है वो किस तरह लोगों को के पॉकेट को अफेक्ट कर रहा है, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ मजदूरों के लिए जो श्रम कानून है उनमें भी बदलाव ला रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे और सरकार के जो निर्णय हमारे हित में नहीं है उन सभी निर्णयों का विरोध करने का निर्णय लेंगे और हम आगे रणनीति तैयार करेंगे आंदोलन के खिलाफ। इस तरह किया जाए आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी और कब करेंगे? हम बाद में तय करेंगे, जो निर्वाचित कार्यकारिणी समिति होगी वो तय करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो संगठन हैं वो तय करेंगी। उनके द्वारा तय किए गए आंदोलन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए भी हम किस तरह उसको सफल बनाएंगे उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे और अगले सत्र के लिए नए पदाधिकारी और कार्यकारिणी समितियों का चुनाव भी। तारीख निर्धारित नहीं की गई अभी, आंदोलन की तारीख निर्धारित नहीं की गई है। हम फॉर्मेट उसका तैयार अभी नहीं करेंगे लेकिन ये हमारा निर्णय हुआ कि हम आंदोलन में जाएंगे, खास करके लेकिन जो नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं पूरे देश में, यानी सरकारी क्षेत्रों के अंदर में स्थायी कर्मचारियों की बहाली करीब करीब बंद कर दी है सरकार ने और ठेके पर मजदूर लगा रहे हैं या आकस्मिक मजदूरों को लगा रहे हैं, तो उनकी जो जीविका थी और उसका स्वरूप था उस पूरे स्वरूप को देश की सरकार बदल रही है और ये जो बदलाव है वो बदलाव कार्यक्रम बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन बिहार का राज्य स्तरीय सम्मेलन है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इस कॉन्फ्रेंस में बैंक के सामने देश के सामने जो वर्तमान ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर चर्चा होगी और अंत में दलीय सत्र में नए नेतृत्व का लीडरशिप का चुनाव होगा। किन अहम बिंदुओं पे आप लोग फोकस ज्यादा कर रहे हैं? सबसे अहम आउटसोर्सिंग, बैंकों में जो आउटसोर्सिंग बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जो हमारी मांगे हैं बैंक मैनेजमेंट के पास जो लंबित है बहुत लंबे समय से, आप सबने देखा होगा अभी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 27 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, उसमें 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हिस्सा लेंगे, उस पर भी हम इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे। सरकार के प्राइवेटाइजेशन के फैसले को बैंक सेक्टर कैसे देखती है?
प्राइवेटाइजेशन का फैसला इस देश की आम जनता के लिए सीधे सीधे नुकसानदायक है। जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया था तो कुछ पर्पस था, और आज भी इतने लंबे समय के बाद भी उस पर्पस को पूरी तरह से अचीव नहीं किया जा सका है। लेकिन आप सब जानते हैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पूरे देश में जिस तरह का काम किया है इस देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में, वो अतुलनीय है। कोई भी प्राइवेट बैंक वहाँ नहीं जाता है जहाँ सरकारी बैंक जाते हैं। जहाँ बैंकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ केवल सरकारी बैंक जा रहे हैं। तो आप सरकारी बैंक जब इतना, प्राइवेट बैंक इतना ही अच्छा था तो आपने सरकारीकरण क्यों किया? और आज भी जब प्राइवेट बैंक डूब रहा है तो कौन बचा रहा है? एस बैंक डूब रहा था, किसने बचाया? स्टेट बैंक ने बचाया। और इस तरह से न्यूमरस एग्जाम्पल है जहाँ प्राइवेट बैंक को मर्ज किया गया सरकारी क्षेत्र के बैंक में। शैनू के माध्यम से सरकार से क्या, हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जितने भी सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनको और मजबूत किया जाए, उनमें रिक्रूटमेंट किया जाए सभी कैडर्स में, और बैंकों का शाखा विस्तार किया जाए, और देश की जो सामान्य जनता है, गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको और आर्थिक मदद पहुंचाने में सरकार सहयोग। आप अपना परिचय बताइए। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार, मैं ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और बिहार प्रोड्यूसर बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी।